हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मेरी भी छुट्टी है, बब्बू की भी छुट्टी है। तो आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक, क्योंकि बब्बू की सगाई आने वाली है, शादी आने वाली है, तो अब सब सामान लेना है, शॉपिंग करनी है। आज तो अभी बस मैं और बब्बू ही जा रहे हैं और भाई जा रहा है साथ में। तो आज तो हम चांदनी चौक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और मैं इससे पहले चांदनी चौक वैसे अकेले से ऐसे कभी घूमने गई हूँ। इससे पहले एक बार भी गई थी, तो वो भी मैं किसी के साथ गई थी। और ये तो फर्स्ट टाइम ही जाएगी, तो मुझे पता है कि आप सब बहुत एक्साइटेड हो गए और बहुत ज़्यादा ही आपको इंतज़ार होगा कि कब शादी की शॉपिंग के ब्लॉग्स आए और कब हम दिल्ली की मार्केट, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे जो है वो दिल्ली के बाहर के सब्सक्राइबर है बहुत सारे, तो फिर वो ये कि उनको भी दिल्ली की मार्केट और चांदनी चौक की मार्केट की तो हर कोई वीडियोस देखना चाहता है, क्योंकि हमने भी बहुत सारी वीडियोस देखी है। हो सकता है सृष्टि आउटफिट ले, तो ये अभी पक्का पता नहीं है कि लेगी नहीं, बट ये है कि हम आज तो स्ट्रीट फूड भी एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बस स्ट्रीट फूड थोड़ा सा, क्योंकि ना बारिश हो रही है तो क्या ही एक्सप्लोर करना स्ट्रीट फूड, कीचड़ कीचड़ हो रहा है। हाँ, अभी सत्ते का भी पड़ जा रही है बारिश, कुछ नहीं पता चल रहा है, पर अभी तो धूप आ गई है। तो अभी बस मैंने तो अपना नाश्ता कर लिया, अभी यहाँ पे सब नाश्ता कर रहे हैं और भाई भी जा रहा है, भाई को बैग लेने। वो क्या लेने जा रहा है? दुनिया वहाँ पे कपड़े लेने जाती है, वो क्या लेने जा रहा है? बैग लेने, बैग जो कि दुनिया जाती है डीकैथलॉन में या फिर यहाँ आसपास में जो भी शॉप्स होती है वहाँ पे, और ये जा रहा है चांदनी चौक बैग लेने। पनीर रोटी चाय, मैंने तो आलू के पराठे खाए हैं। अरे गाइस, मैं हो रही हूँ रेडी और अभी ना वैसे तो आज है पूरी पूरी बारिश, पर अभी धूप निकली है। मैंने सिस्टर से पूछा तो सनस्क्रीन लगाई, तो सिस्टर ने बोला हाँ मैं भी सनस्क्रीन लगा दी। वो भी कह रहे तू पक्का लगाएगी, तू हमेशा ऐसी करती है। बाल काटने के लिए इसने बोला, दोनों इतने इतने बाल कटा लेते हैं, तो मेरा दोनों ने इतने इतने कटा लिए, इसने कराए। तो गाइस अभी 11:30 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं तैयार होके, अब जा रहे हैं तैयार चांदनी चौक। अब देख तो वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगता है। चलो यार, एक तो ये पता नहीं ना, ये बहुत कंफ्यूज कर रही है घर में बैठे बैठे सबको, तू ही चल पहले यार, ये लड़ाई करवाएगी घर में बैठ के, और कुछ नहीं। मैं एडिट करके ब्लॉग अपलोड करूँ, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने एडिट करके ब्लॉग अपलोड किए, ठीक है, और फिर भी इसको चाहिए कि मैं साथ में तैयार भी हूँ, उसको टाइम पे मिलूं। भाई कुछ तो अब होगा, या तो मैं एडिट कर सकती हूँ या तो मैं चली सकती हूँ एक ही टाइम पे। बैठ गई सब अच्छी है, तो तू पहन ले अच्छी चप्पल। अबे तुम मेरे पजामे के साथ जा रही नहीं चप्पल, तेरे तो आउटफिट के साथ ही ब्राउन चप्पल जा रही है, ब्राउन पहन रहा है ना, बहुत बदतमीज है, बदतमीज वाली क्या बात है, ये देखियो क्या चप्पल बना के जा रही है मुझे। भाई भी तैयार हो गया, सब तैयार हो गया, अब तू जल्दी चल भाई, पिटेगी भाई से वरना। बाय भी भाई। तो गाइस अभी हम आ गए मेट्रो स्टेशन, यहीं से हम जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? ओए बैठ के लिए हो गई हम दोनों की, उस रिक्शे में बैठ गई मेरी तो नहीं हुई सिस्टर की है तुमने, तुम्हारी पैंट गीली नहीं हुई। 1 घंटा लगेगा, तो अभी चलते हैं, बस सीट मिल जाए, कहीं खड़े खड़े नहीं जाना। तो गाइस अभी हम चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में, और इतनी भीड़ हो रही है, भीड़ एलिवेटर्स पे सीढ़ी से जा सकते हैं, भीड़ यहाँ पे भी है, यहाँ उतनी भीड़ नहीं है। तो गाइस अभी हम चांदनी चौक पहुंच चुके हैं, यहाँ पे इतनी पतली पतली गलियों से आना पड़ रहा है ना, तब गुस्सा आ रहा है कसम से, गुस्सा क्या आ रहा है, ऐसा ही है यहाँ पे, भाई मैं नहीं आऊंगी। ओए रेड फोर्ट है, हाँ गाइस वहाँ सामने रेड फोर्ट है, चल भाई बैठ। गाइस हम इतने साल बाद इस वाले रिक्शे में बैठे हैं ना, जब हम नई सड़क में आए हैं, इसको पता तो होता नहीं है कहाँ जाना है, मैं कहीं भी घुसा रही थी पहले, हम इतना गलत रास्ता चले गए थे। अभी तुझे यहाँ पर खड़ी रहेगी, तेरे को खुद ही बंद ले जाएंगे मैडम, चले गए, मैं जाऊंगी नहीं, जबरदस्ती उठा के थोड़ी ले जाएंगे। गाइस अभी हम आगे जहाँ में जाना है, पर हम कैसे जाए, कैसे मैं क्यों आई, मैं कह रही हूँ अपना भी शादी का आउटफिट ले ले, आज ले ले भाई, तू पीरू के साथ आएगी वो कुछ नहीं। भाई यहाँ तो सेम में आना थोड़ा सा दिमाग खराब है। तो गाइस अभी सबसे पहले हम आए हैं कुछ साड़ी देखते हैं, तो हमने कुछ चूजों के लिए जो साड़ी होती है वो देखी, तो भैया ने हमें कुछ साड़ियाँ दिखाई है यहाँ पे, और ये वाली मुझे बहुत पसंद आई है, और ये भी कुछ डिफरेंट सी है, कलर भी बहुत अच्छा सा है, ये बनारसी मैंने भैया, ये बनारसी में, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब ऐसी साड़ी तो होनी चाहिए, ये तो ओल्ड पैटर्न है पर ये अब लौट के आया है, तो अब ये वाली साड़ी ज़्यादा लोग पहनते हैं। गाइस देखो ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग शेड है आजकल, ऐसे कलर ना बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं आज। तू आर ले ले, मैं कह रही हूँ सगाई के उनके साथ ले लियो, वो शादी लायक है देख, जो हमने देखा लहंगा
वो तो सगाई में पहनेगी, इतना अच्छा लगेगा तो सगाई में पहनेगी। संगाई में तो नॉर्मल। और भाई आज तो पूरा दिन लग गया और अभी तक हमने कुछ नहीं लिया है, है ना। तो गाइस अभी हमने थोड़ी बहुत दुकानें देखी, थोड़े बब्बू के आउटफिट्स देखे और हमें इतनी भयंकर भूख लग रही है ना, 5 बज गए, हमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ लिया भी नहीं है और हमने कुछ लिया भी नहीं, सब खाली हाथे हैं हम। और अभी कुछ खाएंगे और अब भाई अब सीधा घर जाएंगे। मेरा भाई सृष्टि का तो लेना है, आप घर चलो, मेरा मत्था फिर गया। मैं नहीं, मैं तो गोदी में चाय में यही कपड़े तीन सगाई में पहनू, शादी में पहनू, अब हम घर जाएंगे। अब क्या करूं? मुझे नहीं ना, बारिश आ रही है भाई, अब बारिश आ गई ना मेरे फंसे रह जाएंगे। गाइस बारिश हो गई है यहाँ बहुत तेज, भयंकर वाली, बड़े 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 हो गए, छाता भी नहीं लाई, मान है जब बारिश रोज आ रही है। जबकि गाइस देखो बारिश हुई है, ऐसा मेरी कोई गलती नहीं है। तो अब सिस्टी बोल रही है चांदनी चौक से निकल जा, मैंने बोला भाई ने बोला चल तेरे शरारे देखते हैं, बच्चों के लहंगे तो कहीं नहीं मिल रहे हैं, बच्चों के लहंगे तो नहीं मिल रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे दोबारे आई थी, ये शॉप पे, यहाँ पे ना मैं पहले भी आई थी, तो अंकल से मैं वही बात कर रही थी, मेरा लहंगा कब तक मिलेगा, ये मुझे कब तक मिलेगा। और सृष्टि के लिए भी उन्होंने गाइड किया है कि सृष्टि के लिए लहंगा मत लो, शरारा टाइप लो, वो मिलेगा आगे। तो अभी वो सृष्टि अब घर जा रही है। नहीं भाई, गाइस अभी सृष्टि के कपड़े के लिए सर्च कर रहे हैं, कृष्णा मार्केट अंकल ने बताया कि घर इसको डांटना पड़ेगी, तुम गए अब कुछ भी नहीं लेकर आए। तो भाई इधर आ, तो क्या करें, इतना टाइम लग गया और कुछ मिल नहीं रहा है, और सब टाइम तो लग ही रहा है भाई, तो इसलिए और मैं खाने के लिए बोल रही हूँ, खा ये रहे नहीं है, ये तो कहीं 5 स्टार में ले जाना पड़ेगा, इन्हें दुनिया आ रही है भाई चांदनी चौक में खाने। क्या बोला, बोलना है मेट्रो में खाएगा भाई, खा लेते ले, क्या खाएगा खाने में क्या भाई, सृष्टि बताओ। बब्बू ने लिया आलू टिक्की, अभी तो बब्बू गई है और लेने के लिए। मेरी पाव भाजी आ गई है, लो भाई अपनी टिक्की पकड़ो, ये ज्यादा अच्छी लग रही है भाई, शक्लें मत बनाओ मेरा खाना देख के, अब अपना अपना खाओ, इसने बनाया, इसने मंगाया छोले चावल, मेरा पाव भाजी और इसकी टिक्की। अभी गाइस अभी हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं मार्केट, जैसे जबरदस्ती मेरे को दिलवा के ही माने गया, क्योंकि हमें क्योंकि डांट नहीं खानी है। तो गाइस हमें तो कुछ नहीं मिला मार्केट में, हम वापस जा रहे हैं घर भाई, वो बोल रहे थे और अंदर जाओ, इतनी मुश्किल से हम बाहर आए, हम दोबारा अंदर नहीं जा रहे थे। अब जाना हम कहीं और चले जाएंगे भाई, यहाँ अब मैं लौट के नहीं आऊंगी, तो शादी का तो लेना पड़ेगा, शादी का इतना अच्छा दिखाया था मैंने तुझे कि ले ले भाई, ले ले वाइट कलर का लहंगा, वाइट घर पे पिटती ना जब बोलते सफेद क्यों ले आए। सभी दही वाले हम लेकर आ गए नटराज से, यहाँ से चलो भाई जल्दी खाओ, निकलो भाई यहाँ से। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे वाली मेट्रो से, तो अभी हम भाई यहाँ पे तो भाई मेट्रो से भी आना जाना इतना वॉर है वॉर। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है आज, तो अभी ये जो हम इधर आए हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली मेट्रो पे, यहाँ पे हमारी ऑनलाइन टिकट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, अभी हम कस्टमर केयर पे आए हैं, सबके साथ ही ऐसे हो रहा है आज, तो सच में इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, पता नहीं ये मेट्रो किस तरफ वाले भी बाहर निकलवा दिया, हमारी टिकट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो बोले ऐसे ऐसे करके जाओ बाहर जाओ, फिर पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया हमें। उधर से अंदर उधर जाओ। गाइस आज हम पागलों के घर जाएंगे, बोला ये शायद हाँ भाई, हमें रेलवे स्टेशन पे ले आई है, कहाँ पे है रेलवे स्टेशन, पीछे की तरफ, हमें यहाँ जाना, पता नहीं कहाँ ले आए भाई, हट यार। इस यहाँ का प्लेटफॉर्म देखो, हम तो भाई पहली बार आए हैं, हाँ कपड़े भी तूने वही पहने, एरोप्लेन में लद्दाख जा रहा हूँ। चांदनी चौक से सीधा लैंड कर चुके हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस पे, कहाँ पे, तिलक नगर। और अभी हमने जाए सिस्टी की ड्रेस, क्योंकि ना सिस्टी के साइज की रेडीमेड वहाँ नहीं मिल रही थी, बोल रही थी आपको स्टिच कराना पड़ेगा, यहाँ पे बड़े बड़ों की मिलती है, तो हम एक यहाँ पे आ गए। और भैया आज ये पागल करके वहाँ आने की, मैं तो थक गई हूँ ये वाली दुकान से, इसमें तो थोड़ी लंबी भी लगेगी वैसे, कोई घर में भी पलट जाए, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, देखो लिखती है, कितना अच्छा लग रहा है, प्रूफ है, बताओ आप बताओ, फाइनल बोलो भैया आप बताओ, मैं तो प्रेफरेंस ब्लैक, पूरा तो बता ब्लैक, ब्लैक अब तू बता दे, जिसको पहनना है उसी को ब्लैक नहीं लेना, तो सिस्टी का भी आउटफिट हो गया है डन,
सुबह से इतनी दौड़ा भागी करी है तो कुछ तो होना चाहिए ना। हमने लिया है एम के फैशन से। अब लेना है पूरब का क्या बैग और टिफिन। गाइस हमने लेमन सोडा ले लिया है। तो गाइस अभी हमने भाई का बैग भी ले लिया है और भाई का टिफिन भी, और लगे हाथ मेरा भी टिफिन ले लिया है क्योंकि मेरा भी ना थोड़ा सा ऐसी था, मतलब कुछ खास नहीं था। चिढ़ के मारे बोल रहा है कि हिंटू मत ले, मत ये वाला टिफिन मत ले। कोई नहीं, तो मेरा पुराना वाला ले जाइए यार, मेरा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको बच्चे वाला टिफिन चाहिए ना। हाँ, वो थोड़ा स्कूल के बच्चों में जैसा है वो। नहीं, हाँ तो तू परात ही ले जाए, एक बार पूरी खाली लेके जाएगा इसे। कढ़ाई भी ले जाएगा। तो गाइस बस अब आखिरी चीज है सॉफ्टी, जो कि इसकी डिमांड थी। थप्पड़ मारूंगी क्या। गाइस अभी हम घर पहुंच गए हैं 9 बजे। निकले कितने बजे से? 11:30 और मैं 12 घंटे। तालियां बजनी चाहिए हमारे लिए। 11:30 नहीं यार, 10:30 निकले। अच्छा, अभी तालियां हमारे मुंह पे बजेगी अभी एक हाथ से। व्हाट्स अप। मैंने तो अपनी सगाई के लिए ले लिया। अपनी सगाई के लिए अभी से ले लिया। सॉरी सॉरी, बब्बू की सगाई के लिए मतलब। अभी से ले। तो गाइस अभी हम घर पहुंच गए हैं और इतनी ज्यादा नींद आई है, कमर इतनी दुख रही है। एक तो चांदनी चौक में भाई साहब मैंने तो अपने कान पकड़ लिया, मैं नहीं जाऊंगी आगे से बिल्कुल भी। इतनी धक्का मुक्की बाप रे। ऊपर से यहाँ बारिश हुई है, वहां बारिश हुई भाई। गाइस अभी चेंज वगैरह कर लिया है, मुंह धो के इतना अच्छा सा लग रहा है ना, मजा ही आ रहा है। मैं आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी। फाइनली सृष्टि का भी आउटफिट फाइनल हो चुका है सगाई का, कि ये क्या पहनने वाली है और वो हम दिखाएंगे अभी। ये सगाई में दिखाएंगे जो भाई दिखा देंगे तो। और आप अपनी चांदनी चौक के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। माइनस कई बस फ्लैग लोकेट करते हैं। तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। Okay, I got it.